जेरे नगरानी हम वो कोशिश कर रहे हैं कि आसान तरीके से अदा करें। पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है जो मौशियत में इस्तेकाम है, और मौशियत में इस्तेकाम की वजह एक सियासियत में इस्तेकाम। हमारी आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको बनाया इसलिए गया है कि जो इज़्तिराब है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट है, जो अफरा तफरी है, जो इंतशार है, जो पोलराइजेशन है, जो नफरत है, जो एक दूसरे के खिलाफ तनाव है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो दिलों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। और इंशाल्लाह सियालकोट के अंदर हम एक मुतहिदा सियालकोट का नारा लगाएंगे और एक मुतहिदा सियालकोट को और मुतहिदा पाकिस्तान को हम प्रमोट करेंगे, और पूरी कौम को वो उम्मीदें जो उसकी बिखर गई हैं, वो ख्वाहिशात और तवक्कुआत जो उन्होंने सबका हमारी जमात के साथ लगाई थी, वो जो ख्वाब बिखर गए हैं उनकी तबीर इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो देने जा रही है। ईद की छुट्टियों के फौरी बाद फ्रंट फुट पे आके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी मैदान में खेलने जा रही है, और सियासी मैच में हम इंशाल्लाह ऐसे चौके छक्के लगाने जा रहे हैं कि जो पैराशूटर यहाँ आए थे, कोई किसी मुल्क से, कोई किसी मुल्क में मिल से, कोई किसी बरने आका को कुछ करने के लिए, कोई किसी झंडे पे अपने पाकिस्तान के मुखालिफ एक बयानियां लेके, तो वो सारे पैराशूटर जो है वो पाकिस्तान की जो खारदार तारें जो थी उनके अंदर वो पैराशूटें फंस गई, और वो वापस जहां जहां से आए थे वो अपने मुल्कों को वापस चले गए। उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अब मेहमान अदाकारों की कोई जगह नहीं, पाकिस्तान में अब वही हकीकी अवामी नुमाइंदे यहाँ सियासत करेंगे जिनका जीना मरना इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की अवाम के साथ होता है। और जो वो अंडर 19 खिलाड़ी जिन्होंने सियालकोट का बेड़ा गर्क किया, वो हमारे स्ट्रीट बॉयज जिन्होंने किरदार बनने की बजाय सियालकोट में अदाकार बन के इस शहर की इंट से इंट बजाई, उनको ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और सियालकोट लाजम मलजूम है, क्योंकि ये जर मुबादला कमाने वाला शहर जो है आज नाकस पॉलिसीज की वजह से जो हुनरमंद है वो घरों में बैठ गया है, फैक्ट्रियां बंद है, जो मेहनतकश मजदूर है वो मायूसियों का शिकार होकर फाका कशियों पे मजबूर है, और जिन अदाकारों ने इस शहर को अपने पांव पे खड़ा करने की बजाय जमीन बोझ कर दी है, तो उन सब की जो अदाकारियों के साथ जुड़े अमाल हैं और जो उन्होंने इस कौम को जख्म दिए हैं, इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पाकिस्तान के वजूद पे लगे घाव जो हैं वो 9 मई से जुड़े हों या 5 साल, 4 साल एक और फिर 1 साल वो पीडीएम के भी, क्योंकि हमने उन हर गांव पे मरहम रखना है, और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क्यादत में आगे बढ़ने जा